Hey guys, welcome back to my food channel, Sanjay's Comfort Food. आज हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं. बहुत ही आसान रेसिपी लेके आया मैं आप लोगों के साथ. बिरयानी हर किसी का फेवरेट होता है दोस्तों, बट जैसे बनाने जाते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है हर किसी को, बट एक्चुअली ये है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं. तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं. साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो मैं बिगिनिंग जो है वो हम मटन को मैरिनेट करने से करेंगे. इसमें मैंने लिया हुआ है कश्मीरी चिली, लिया हुआ है क्यूमिन पाउडर, लिया हुआ है नमक टू टेस्ट, लिया हुआ है मैंने यहाँ पे एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड योगर्ट. तो दोस्तों योगर्ट जो है वो हमारे मटन को टेंडराइज करने में मदद करेगा. तो जब भी आप अपना बिरयानी बनाते हैं तो ये मटन को मैंने करीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ है. तो जब भी आप अपनी बिरयानी बनाते हैं तो हम हमेशा मसाला जो है वो बाहर से खरीदते हैं, बिरयानी मसाला. तो दोस्तों आज हम मसाला जो है वो घर पे बनाने वाले हैं. बहुत ही आसान है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे हैं एक्जैक्ट अमाउंट के साथ में. ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका बिरयानी मसाला बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है. तो इसको हम करीबन 3 मिनट के लिए टॉस करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर इसको हम ओकली से या फिर स्पाइस ग्राइंडर से इसको ग्राइंड कर देंगे पाउडर फॉर्म में. साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ऑयल करीबन 1 कप के. इसमें मैं फ्राई करूँगा अपने जूलियन जो अनियंस जो है मेरे, और इनको मैं तब तक फ्राई करूँगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए. तो फ्राई करने के बाद मैं इनको आधा निकाल लूँगा और आधा मैं इसको पैन पर ही रखूँगा. तो साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे जो है अपना ऑयल को इन्फ्यूज कर रहे हैं होल स्पाइसेस से. तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कार्डमम है, ग्रीन कार्डमम है एंड बे लीफ है. साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे सिनेमन स्टिक्स भी हैं. तो मैं इसको यहाँ पे जो है मीडियम हीट पे पका रहा हूँ अभी. जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन आपको दिख रहा है, बहुत ही क्रिस्पी ये निकला है. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको मैं आधा निकाल लूँगा और आधा मैं इस पर पैन पर ही रख दूँगा. तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं अभी अपना मटन ऐड करने वाला हूँ. तो मटन जो है ये मैंने लो हीट पे पकाऊंगा, मीडियम लो हीट पे. स्टार्टिंग में जो है इसको मीडियम लो हीट पे पकाऊंगा, साथ ही साथ जैसे ही मैं अपना आगे प्रोसेस आगे बढ़ता रहूँगा मैं इसको मीडियम पे कर दूँगा. तो दोस्तों अगर आप चाहो तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी पेज है जहाँ पे मैं हर दिन नए नए अपडेट्स देता रहता हूँ. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा मटन जो है यहाँ पे पक रहा है तेल में. तेल आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा है, पर दोस्तों घबराए ना, हम ये तेल को स्किम करने वाले हैं. तो यहाँ पे मैंने अपना जिंजर गार्लिक ऐड कर रहा हूँ मैं अभी करीबन आधा कप के करीब. तो हम जो है दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे करके हम अपना फ्लेवर बिल्ड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो मैंने अपना बिरयानी मसाला जो था बनाया हुआ वो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे. तो यहाँ पे हम इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं ताकि हम ये मसाले को और भी ज़्यादा पका सकें. आपने देखा है मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया, बट अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पकाऊंगा. इसका पूरा जो कच्चापन जो है उसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे हम, और इसी से हमें ज़्यादा फ्लेवर मिलेगा. तो यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है एक्चुअली बिरयानी मसाला. तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा बिल्कुल मीडियम लो हीट पे. ध्यान रखें दोस्तों ये नीचे लगे ना. तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑयल जो है आपको तैरता हुआ दिख रहा है ऊपर, तो यही हमें चाहिए. हमें इसको तब तक पकाना है जब तक हमें ऑयल इसके ऊपर तैरता हुआ नजर आए. साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे टमाटो प्योरे ऐड किया हुआ है, ये दुकान से ख़रीदा हुआ है, पर अगर आप चाहें तो फ्रेश टमाटो को भी ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं, पर उसको पकाने में काफ़ी टाइम लगेगा आपको. तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं थोड़ा नमक ऐड किया हुआ है, साथ ही मैं यहाँ पर योगर्ट ऐड कर रहा हूँ दोस्तों. तो योगर्ट का मैंने आपको पहले भी बताया है, योगर्ट जो है हमारा मटन को पकाने में बहुत हेल्प करेगा.
तो मटन जो है हमारा टेंडराइज बहुत जल्दी होगा। तो जैसा कि ये पूरा पकाने में हमें करीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा ऐड कर लिया है ताकि हमारा थोड़ा मसाला भी बने, थोड़ा सॉफ्ट बने और हमारा जो मटन जो है वो अच्छे से पक जाए। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे राइस को पका रहे हैं, तो यहाँ मैंने 1 गैलन पानी लिया हुआ है एंड 4 कप राइस, और पानी जो है उसमें मैंने थोड़ा नमक डाला हुआ है ताकि जो हमारा जो पानी जो हो थोड़ा नमकीन हो। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मटन करीबन 80% तक पक चुका है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा मटन करीबन 90% पक चुका है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अब ये जो फैट जो इस पर आपको दिख रहा है ऊपर, इसको मैं निकाल लूँगा। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सॉस भी अलग निकाल लूँगा ताकि हम इसको बाद में राइस के साथ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम काफ़ी हद तक हमने अपना जो है फैट हमने यहाँ से निकाल चुके हैं एंड सॉस भी बहुत कम कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा राइस जो है ये मेरा 90% तक अभी पक चुका है, इसको मैं स्ट्रेन करने जा रहा हूँ। तो ध्यान ये रखें कि हमारा राइस जो है वो 90% तक पके, उससे कम पकेगा या फिर ज़्यादा पकेगा तो ओवर कुक हो सकता है या फिर आपका राइस कच्चा रह सकता है। तो यहाँ पे अभी दोस्तों मेरा जो राइस है उसको मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया है, उसको अच्छे से पानी जो है उसका निचोड़ दिया है पूरा अच्छे से। यहाँ पे अभी मैं सारा राइस जो है अपने मटन पे ऐड कर दूंगा, उसको अच्छे से फैला दूंगा। ध्यान ही रहे कि उसको दबाएं ना आप, अगर उसको उस पर जगह रहें, उसको पकने के लिए जगह छोड़ें थोड़ा, क्योंकि अभी हमें 10% और भी पकाना है इसको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने सैफ्रॉन लिया हुआ है, अगर आपके पास सैफ्रॉन नहीं है तो आप फूड कलरिंग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली हेल्थी थोड़ा पसंद करता हूँ तो हेल्थ का ध्यान रखें थोड़ा, तो इसलिए सैफ्रॉन ऐड करें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वाटर, रोज वाटर लिया हुआ है। तो दोस्तों ये रोज वाटर है एंड केवड़ा वाटर जो है ये ही आपकी बिरयानी को एक डिफरेंट लेवल देने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बाहर दुकानों पे मिलता है, बिरयानी शॉप्स में मिलता है, वैसी बिरयानी आपको यहाँ पे आपको बनेगी केवड़ा वाटर एंड रोज वाटर से। साथ ही साथ मैंने दोस्तों यहाँ पे बटर ऐड किया हुआ है 50 ग्राम एंड वो जो फ्राई अनियन जो मैंने सेव करके रखे हुए थे उनको मैं उसके ऊपर फैला के डाल दूंगा। और अभी मैं इस पर ढक्कन मार के अभी हम इसको जो हमारी दम बिरयानी जैसे होती है वह उसको मैं रिप्लिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ढक्कन मार के इसको 15 मिनट के धीमी आँच के लिए छोड़ दिया है ताकि वो जो 10% जो राइस जो पकने वाले हैं वो बिल्कुल धीमी आँच में से पके और साथ ही साथ सारा फ्लेवर अब्सॉर्ब कर ले मटन से। तो दोस्तों ज़रूर बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मैं ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये चैनल पर बहुत ही ईजी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एंड कम्फर्ट फूड मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।